भागलपुर के ललमटिया थाना के पुलिस पदाधिकारियों का पाला एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से पड़ गया। उक्त युवती ने सिर्फ थाने में घुसकर रखे कागजातों को तितर-बितर करते हुए थाने के 3 महिला और 1 पुरुष पुलिसकर्मी सहित अपने 4 स्वजनों को दांत काटकर लहूलुहान कर दिया। लगभग आधे घंटे तक थाना परिसर और सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। फिर किसी तरह उक्त युवती को काबू कर उसके स्वजन घर ले गए, तब पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। ललमटिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के फांडी गली के रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की छोटी बहन मीनू कुमारी ने थाने में मारपीट की शिकायत की थी। उसी आवेदन की जांच के लिए महिला पुलिस पदाधिकारी उसके घर पर गई थी। पुलिस जब घर पर पहुंची तो उसके पिता ने कहा, थाने पर ले जाकर थोड़ा समझा दीजिए। पदाधिकारी उसे थाने लेते आए, साथ में उसके स्वजन भी आए थे। थाना आते ही हंगामा करना शुरू कर दिया। उसे बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो किसी से कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन उनके स्वजनों का कहना हुआ कि हम घर ले जाएंगे। वहीं महिला पुलिसकर्मी इलाज के लिए अस्पताल गई है। सनहौला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर और 1 महिंद्रा गाड़ी जब्त करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बताते चलिए, सनहौला थानाध्यक्ष लगातार शराब तस्कर पर नजर गड़ाए हुए हैं। शराब तस्कर में हड़कंप मचा हुआ है। और एक बात आपको बता दें कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाले सीमा पर मद्य निषेध विभाग का भी चेक पोस्ट लगाया गया है। तब भी चेक पोस्ट पाकर शराब बिहार प्रवेश कर जाता है, लेकिन शराब तस्कर सनहौला पुलिस के हाथ से नहीं बच पा रहे। सनहौला थाना पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सनहौला थाना क्षेत्र के कंडा मोड़ पर एक महिंद्रा कंपनी की गाड़ी से 541 बोतल में 202 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। सनहौला थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तारी कारोबारी को न्यायालय के हिरासत में भेजकर उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से थाना नगदहा घाट पार कर सरकंडा गाँव होकर महिंद्रा कंपनी की गाड़ी से शराब की लंबी खेप लाई जा रही है। पुलिस सादे लिबाज में सरकंडा मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। मोड़ पर ही महिंद्रा कंपनी की गाड़ी का चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा। जब गाड़ी की जांच हुई तो भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। दोनों कारोबारी से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम पंकज कुमार दास, पिता सीताराम दास मड़वा गांव निवासी, तथा मिथुन कुमार पिता सिदेव रविदास जरामपुर गांव निवासी, दोनों बिहपुर थाना निवासी बताया। गाड़ी को सनहौला थाना लाकर जब पूरी जाँच की गयी तो इस दौरान गाड़ी में कुल 541 बोतल जब्त हुआ। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल शराब तस्कर में हड़कंप मचा हुआ है। विश्व परिषद श्रावणी मेला में जल जमाव व स्वच्छता को लेकर नगर परिषद के सभागार में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उप सभापति नीलम देवी थे। बैठक में श्रावणी मेला व जल जमाव एवं स्वच्छता को लेकर सभी वार्ड पार्षदों के साथ विचार विमर्श करते हुए प्रस्ताव लिया गया, जिसमें जल जमाव के निदान के लिए नए नाला का निर्माण, सड़क की मरम्मति, पुलिया की मरम्मति एवं श्रावणी मेला में साफ सफाई, रंग रोगन व स्वच्छता पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू ने कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के साथ कांवरिया विश्राम स्थल, गंगा घाट एवं अशोक सम्राट भवन का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने मीडिया को बताया कि एनडीए सरकार द्वारा नगर विकास मंत्री द्वारा जल जमा पर संज्ञान लिया गया है। आज नगर परिषद के सभागार में वार्ड पार्षद के साथ बैठक की गई, जो बैठक में जल जमाव की समस्या निदान के लिए पुल पुलिया का निर्माण, नाला निर्माण, सड़क मरम्मति निर्माण के लिए सांसद प्रतिनिधि पवन केसान को एक प्रतिलिपि देकर सांसद गिरधारी यादव से पुल पुलिया निर्माण की मांग की जाएगी। साथ ही नगर परिषद द्वारा यात्री धर्मशाला एवं अशोक सम्राट भवन में निजी उपयोग करने के लिए नगर परिषद के जनता को न्यूनतम दर देने का भी निर्णय लिया गया। जी, आज हमारे नगर परिषद कार्यालय में सभी माननीय सदस्य के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, टाउन प्लानर, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक और जितने भी हमारे कार्यालय सहयोगी के साथ एक बैठक की गई। बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु था, और स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए जो विभाग का दिशा निर्देश है उसके तहत क्या क्या कार्य कराना है, और माननीय पार्षदों से भी कई सुझाव लिए गए। माननीय पार्षदों के द्वारा जो भी सुझाव हुआ उसका पालन कराया जाएगा, और साथ ही जो है नगर आवास विभाग से एक पत्र आया था जिसमें जल जमाव की समस्या के लिए बैठक आहूत की गई थी। उन वार्डों में जो जल जमाव की समस्या है, इस जल जमाव की समस्या के निजात के लिए माननीय पार्षदों के द्वारा कई सुझाव दिए गए। उस सुझाव के आलोक में नगर परिषद के द्वारा जो कार्य कराया जाना है उस कार्य को कराने के लिए आज कनीय अभियंता और जो हमारे योजना सहायक हैं, जो भी सैनिटरी से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया गया। साथ ही जो विभाग का निर्देश है उस निर्देश के आलोक में पालन कराने का जो है कार्य कराने का निर्देश दिया गया। मुख्य रूप से तो ये श्रावणी माह में हमारे जो तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशाला, धर्मशाला का शौचालय, पानी, बिजली, वो सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है।
खास करके इस बार जिला पदाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, आयुक्त महोदय का भी निर्देश है, और खासकर जो नगर परिषद का दायित्व है उसके साथ पूरा नगर परिषद उस दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार है और समय के पूर्व जो भी सुविधाएं हैं उसका काम करा लिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल भवन में भागलपुर के ट्रैफिक पुलिस के जवान और अधिकारियों को CPR ट्रेनिंग हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का आयोजन ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह की मदद से किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन DSP ट्रैफिक आशीष कुमार सिंह एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सम्मिलित रूप से दीप जलाकर की, जिसके बाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने CPR के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आप अच्छी तरह से CPR सीख जाते हैं तो आप बिना डॉक्टर बने किसी या दवाई के किसी की जान बचा सकते हैं। उन्होंने बताया हार्ट अटैक या सड़क दुर्घटना या डूबने के उपरांत पानी से बचाकर बाहर लाए व्यक्ति को कभी कभी देखते हैं कि उसकी सांस या तो बंद हो चुकी होती है या खींच खींच कर, जिसे गैस्पिंग सांस कहते हैं, वैसा लेता है, और यदि पल्स देखा जाए तो वो नहीं मिलता, उसे हिलाने डुलाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और अगर ऐसे समय में उसे CPR दिया जाए तो शायद सांस लौट आएगी, धड़कन चालू हो सकता है। ऐसे लगभग समाप्त हो चुके जीवन को भी 60-40% बचाया जा सकता है। वही ट्रैफिक DSP ने जीवन जागृति सोसाइटी के इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी महिला एवं पुरुष ट्रैफिक पुलिस को प्रशिक्षण करवाया और स्वयं भी इसको सीखा। इसके अलावा NDRF से ट्रेंड आशीष हरिओम ने दुर्घटना के उपरांत रक्त स्नाव को रोकने, हड्डी में स्प्लिट लगाना, गर्दन को लोकल उपलब्ध वस्तुओं से सपोर्ट कॉलर बनाना बताया और साथ ही बांस या लाठी चादर की मदद से स्ट्रेचर बनाने की विधि बताई, जो आपात स्थिति में जान बचाने के लिए काफी सहयोगी है। आज के कार्यक्रम में ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह के अलावा करीब 40 ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। संस्था की तरफ से सचिव सोमेश यादव, कुमार गौरव, मोहम्मद बाबर, मीडिया प्रभारी रजनीश, जितेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश एवं मृत्युंजय ने मदद की। हम लोग जैसे ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक में तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी की सांस रुक जाती है तो उसको हम मदद कर सकते हैं। ये CPR का जो है घर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, आसपास में कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उसको भी हम मदद कर सकते हैं। CPR पहले नहीं थी, ये DSP सर करवाए हम लोग के लिए 1 दिन का, इसके बहुत सारा हम लोग को फायदा होगा। बहुत अच्छा लगा, DSP साहब के द्वारा जीवन जागृति ज्योति के अध्यक्ष हैं भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह, जिसके द्वारा कि हम लोग को CPR का ट्रेनिंग दिया गया, और ये ट्रेनिंग लेकर के हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बीच चौराहे पे रोड पे हम लोग ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं और ट्रैफिक में किसी न किसी प्रकार का दुर्घटना होने का आशंका रहती है,
यदि इस दरमियान किसी प्रकार का इस तरह का हादसा होता है जिसमें कि किसी का सांस रुक जाए, हार्ट अटैक होने का संभावनाओं में यदि रोड पे गिर जाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको सीपीआर दे करके उसके सांस को पुनः हम जागृत कर सकते हैं, ताकि उसको कुछ सांस आए फिर उसे हम उठा करके हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ पे डॉक्टर के मदद से उसको हम जिंदा कर पाएं। डॉक्टर साहब अजय कुमार सिंह साहब एनजीओ चलाते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो इनके सौजन्य से इन्होंने एक मुझे एक अनुरोध किया कि हम, ये तो मेरा काम है, मेरे लिए अनुरोध किया, मेरे लिए तो इसको दोनों हाथ से पकड़ने की बात है। तो हमारे पास लड़के लड़कियां थी जो दिन भर रोड पे रहती हैं, तो इस अगर सीख लेती हैं, अगर कहीं ऐसे भगवान ना करे अगर कभी ऐसा मौका हो गया, तो इसको पेशेंस हो कि हम ये जानते हैं, कुछ मदद लोगों को, आम लोगों के कर सकें रोड पे। और ये घर में भी हम लोगों के लिए आज के डेट में यूज का चीज़ है। आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएँ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आते रहती है, तो उसमें बहुत सहायक होगा। हम समझते हैं लड़के लड़कियों का, मैंने सबको कोशिश किया कि मैक्सिमम आदमी इसको ट्रेनिंग करके तौर के प्रैक्टिकल के तौर पे कर लें, और मैक्सिमम लड़कियां लड़के कर लिए हैं, तो हमको लगता है कि बड़ा यूज होगा भागलपुर के लिए, इन लोगों के घर के लिए, बल्कि ये लोग अपने आपस में जो कॉन्स्टेबल उपलब्ध नहीं हैं बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो बड़ा यूजफुल होगा भागलपुर पुलिस के लिए। जब कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटना होता है, घर में हार्ट अटैक होता है, या गंगा में डूब गया, पानी में डूब गया और बाहर निकालते हैं तो लगता है कि ये लगता है ख़त्म हो गया, तो उसको CPR देके बचाया जा सकता है। 100 में 60 आदमी बच सकते हैं CPR के द्वारा। ये कब दिया जाता है इसके बारे में बताया कि जब सांस नहीं चल रहा हो, धड़कन लग रहा है कि नहीं हो, तब उसको CPR दिया जाता है। दोनों हथेली से इसके बीच लास्ट हड्डी के दो उंगली ऊपर दोनों हथेली से इंटरलॉक करके उसको 100 की रफ्तार से चेस्ट कंप्रेशन देने से उसकी सांस आती है, और साथ में 2 बार 30 सांस देने के बाद 2 बार मुंह से सांस देना पड़ता है और रफ्तार रहता है 100 प्रति मिनट। तो आज DSP साहब के सौजन्य से उनको हमने आशीष जी को अनुरोध किया कि सर हम लोग ट्रैफिक पुलिस को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग CPR दें, तो उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक कहा ये तो ज़रूरी है और आप आइए, और इसका आज हम लोग ट्रेनिंग दिए संडे को, और काफ़ी अच्छा रहा इन लोगों का अनुभव, और उम्मीद है कि इसी तरह से लोग एक दूसरे को बताएंगे, और जो देश में CPR की जानकारी है बहुत कम लोगों को है, और ज़्यादा लोगों को होगी। धन्यवाद। सुल्तानगंज की राजद कार्यकर्ताओं ने सुल्तानगंज के खादी ग्रामोद्योग प्रांगण में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने की। बैठक में सुल्तानगंज प्रखंड के कार्यकारिणी प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, राजद नगर प्रखंड अध्यक्ष अफरोज आलम की निगरानी में राजद कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत व हार होने पर राजद कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्येक पंचायत में बूथ का लिस्ट तैयार किया गया, किस बूथ पर कितना वोट से हम हारे हैं, उस बूथ पर क्यों हम हारे हैं, इसके बारे में हमें आदेश मिला है। प्रत्येक बूथ का हम समीक्षा करेंगे बूथ वाइज जा करके इसे, और इसका रिपोर्ट तैयार कर। अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने में जुटी विश्वकर्मा समाज के लोग इन दिनों पूरे बिहार में घूम घूम कर समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले भागलपुर के स्थानीय देवबाव धर्मशाला में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा समाज में अलख जगाने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद अपनी पूरी टीम के साथ भागलपुर पहुंचे और कहा कि विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के लिए आज हम लोग एक मंच पर एक साथ जुटे हैं। आज के महासभा में विश्वकर्मा समाज से विशाल आनंद, नगर निगम वार्ड पार्षद अमित ट्विंकल, आनंदी शर्मा, सुबोध शर्मा सहित कई विश्वकर्मा समाज के लोग मौके पर मौजूद थे। महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी भी बारी है कि अब वो जनसंख्या के आधार पे अपने राज्य की हिस्सेदारी चाहिए, तो उनकी सहयोग के बिना हिस्सेदारी की मांग जोर शोर से नहीं कर सकते। जितनी आधी आबादी महिलाओं की है, और उनको घर से निकाल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई के बारे में समझाना विश्वकर्मा समाज पर लंबे अरसे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हर महीने में देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को जमीनें हड़प ली जा रही है, उनके दुकान लूट लिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, और सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है।
इसलिए विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा के पांचों पुत्र बढ़ई लोहार सुनार कसेरा ठकेरा और कुम्हार मिल के ये तय किया है कि जब तक हम हर समस्या का समाधान राजनीति है, जब तक हमारे लोग संसद भवन नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, वार्ड परिषद नहीं बनेंगे, जिला परिषद नहीं बनेंगे, इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठित करके, क्योंकि हमारी आबादी 9% होने के बावजूद भी हम समाज के अंतिम पायदान पे हैं और मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, इसलिए विश्वकर्मा समाज के युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा के और उन सब लोगों को संगठित करके हम लोग हक और अधिकार लेने के लिए पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चला रहे हैं।